सुपौल में सदर बाजार के अनंत प्रेरणा अस्पताल में कुछ देर के लिए ठहरे राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का राजद कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर बीके यादव, राजद नेता अनुज कुमार आर्य ने बूके देकर सिद्दीकी का स्वागत किया। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार की हालत ऐसी है, जनता त्रस्त है और सत्ता मस्त हो गई है। बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, लेकिन सत्ताधारी के चश्मे से वो दिखाई नहीं देता है। जो ज्यादा है वो उसे कम दिखाई देता है। अब आप लोग अपना बताइए, तो आप बिहार सरकार के का जो रोल है उसी को दोहराया इन लोगों ने, तो एक तरह से मतलब कन्विंसिंग लॉजिकल कानून नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप जो है ट्रैफिक रूल का जो लोग पालन नहीं करते हैं उसको दंडित नहीं कीजिए, उनको दंडित कीजिए, मगर अगर ये मेरा मोबाइल 10 रुपये का है तो 100 रुपया जो है आप जुर्माना लगाते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो इसको कहा जाता है कि बिना सोचे समझे फिल्म के अनुकरण के हिसाब से, एक साउथ की फिल्म बनी थी उसका हिंदी में भी डब हुआ, सेम चीज है यही कि मुख्यमंत्री बोलता है अच्छा हेलमेट नहीं लगाता है तो कितना फाइन है, तो बोला कि सर अभी इतना फाइन है, तो कह रहा कि 10,000 फाइन कर दो। अच्छा ये चीज जो है लाइसेंस नहीं है तो कितना फाइन कर दो, अच्छा 50,000 फाइन कर दो। तो मतलब लगता है कि यहाँ राजतंत्र नहीं है, जनतंत्र है, बस मुआवजे से और जागरूकता से कानून जो है सफल होता है और लागू होता है। इसलिए मुझको लगता है कि मैं कानून को ठोस और कारगर बनाने के लिए और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार को उसमें थोड़ी तरमीम